कोतवाली सदर पर नितेश मल्होत्रा पुत्र स्वर्गीय हर्ष मल्होत्रा निवासी सुंदर नगर थाना निजामुद्दीन नई दिल्ली ने सूचना दी कि दिल्ली व उनके मित्र को एक लखीमपुर से करामाती बल्ब के संबंध में फोन आया, जिस पर विश्वास करके वह करामाती बल्ब खरीदने लखीमपुर आए थे। यहां से तीन व्यक्ति उनसे मिले जिन्होंने करामाती बल्ब की कीमत 9 लाख रुपए बताई, जिस पर नितेश ने बल्ब की कीमत अदा कर खरीद लिया। बाद में उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। आपको बता दें, सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्राइम ब्रांच व कोतवाली सदर पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से ठगी गई धनराशि में से 8,87,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लखीमपुर खीरी से लक्ष्मीकांत गुप्ता, हिंदुस्तान न्यूज 24। थाना सदर पे हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली के रहने वाले नितेश मल्होत्रा और उनके एक दोस्त को लखीमपुर खीरी से एक व्यक्ति के द्वारा फोन किया गया और उनको एक करामाती बल्ब बेचने के लिए उनको ऑफर किया गया। उनके द्वारा निरंतर कई दिनों से उनके साथ बातें की जा रही थी और उनको इस झांसे में देखकर लखीमपुर उन्हें बुलाया गया और यहां पर एक बल्ब उनको दिखाया गया, जिसमें चुंबक की मदद से और उनको साथ ठगी करते हुए उनसे 9 लाख रुपए में वो बल्ब उनको बेच दिया गया। जब उनको पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है तो उन्होंने थाने पर संपर्क किया। सदर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर और जो वादी मुकदमा है उनके द्वारा जो क्लू इसमें दिए गए उसमें हमारे द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 8,87,000 रुपये ठगी के बरामद हुए हैं और वो जो करामाती बल्ब है वो भी पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है। मेरा मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से यही अनुरोध है, आग्रह है और अपील है कि इस प्रकार के किसी भी करामाती बल्ब के बातों को सुनकर उनके झांसे में ना आए और इस तरह से आपके साथ ठगी हो सकती है। और इस प्रकार की कोई भी अगर आपको कोई पेशकश करता है तो उसके लिए तुरंत आप पुलिस को सूचित करें।